दोस्तों, इस फिल्मी दुनिया के सितारों की जिंदगी के सफर में आज हम फिर एक अदाकारा की जीवनी लेकर आए हैं जो एक रोमांच से भरी है। उसने अपनी अदाकारी से ना जाने कितने दिलों पर राज किया, साथ ही अपने आप को ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाली इस अभिनेत्री के जीवन में कई घटनाएं घटी हैं जो शायद ही लोगों को पता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की मशहूर अदाकारा कामिनी कौशल की, जो लोगों की जुबां पर कामिनी के रूप में छाई रहती थी। उन्होंने कई मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया है, जिसमें से दिलीप कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जो उनके दिल के बेहद करीब थे। बचपन से ही कामिनी को तरह तरह की कलाओं में रुचि होने के कारण वो लगभग सभी कलाओं में पारंगत थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, एक्टिंग करियर और व्यक्तिगत जीवन से रूबरू कराएंगे, साथ ही उनके जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों के बारे में भी आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उनका जन्म 24 फरवरी साल 1927 में लाहौर के एक हिंदू परिवार में हुआ था जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। हालांकि उनके जन्म तारीख को लेकर सभी को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कहीं कहीं उनका जन्म तारीख 16 जनवरी भी बताया गया है। उनका वास्तविक नाम उमा कश्यप है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर से ही पूरा किया, उसके बाद आगे की पढ़ाई भी लाहौर के किन्नैड कॉलेज ऑफ विमेन से पूरा किया, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री हासिल की। दोस्तों, उस जमाने में लड़कियों को पढ़ने लिखने का हक नहीं था, जिसके वजह से महिलाओं को एक दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसा नहीं था। उनके पिता लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करते थे, जो उनके घर में दिखाई भी देता था। उन्होंने अपने बाकी बच्चों के साथ कामिनी को भी पढ़ाया लिखाया जो वो अपने जीवन में करना चाहती थी। उनके पिता द्वारा उनके लिए पूरी छूट थी। शायद यही कारण है कि जहां बाकी लड़कियां घर में रहने को मजबूर थीं, वहीं पर वो नए नए कलाओं को सीखने में दिलचस्पी रखती थीं। उन्होंने पेंटिंग, घुड़सवारी, तैराकी, स्केटिंग और भरतनाट्यम नृत्य जैसी कलाओं में खुद को पारंगत किया। हालांकि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी तो वो कॉलेज के कई नाटकों में हिस्सा लेती थी। एक रेडियो स्टेशन पर जाकर उन्होंने एक शो किया और अपनी आवाज़ का जादू चलाया। उसी दौरान फिल्मकार चेतन आनंद ने उन्हें नोटिस किया। दिखने में बेहद खूबसूरत और कई कलाओं में पारंगत कामिनी को फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला और यहीं से वो फिल्मों की दुनिया में आ गईं, जिसके बाद इतिहास गवाह है कि उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं। बहरहाल, साल 1946 में चेतन आनंद के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने उनके निर्देशन में बनी हिंदी फिल्म का नाम नीचा नगर में अभिनय किया, जिसे हयातुल्ला अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखा, साथ ही राशिद अनवर और ए हलीम द्वारा निर्मित किया गया था। यह फिल्म साल 1902 में एक नाटक लोअर डेप्थ पर आधारित थी, जिसे रूसी लेखक मैक्सिकम द्वारा लिखा गया था, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को दर्शाती थी। फिल्म में कामिनी के अलावा रफ़ी कन्वर, उमा आनंद, जोहरा सहगल और मोहन सहगल जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे। लोगों को ये फिल्म और इसके गीत बहुत पसंद आए थे। दोस्तों, उनके बाद कामिनी को फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिलता ही गया। उन्होंने साल 1946 से लेकर साल 1963 तक लगभग जितनी भी फिल्में की, उसमें वो बतौर अभिनेत्री मुख्य भूमिका में दिखाई दी। साल 1947 में वो अपनी दूसरी फिल्म में नजर आईं, जिसका शीर्षक है जेल यात्रा। ये एक ड्रामा फिल्म थी और इसके लिए निर्देशक थे गजानन जागीदार। फिल्म में कामिनी के साथ मुख्य भूमिका में अभिनेता राज कपूर दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे बद्री प्रसाद, रामलाल और विक्रम कपूर। हालांकि ये फिल्म उनकी पहली फिल्म के जैसे नहीं चल पाई, लेकिन दर्शकों को फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। फिल्मकारों की नज़र में वो बहुत लोकप्रिय हुई, जिसके चलते उन्हें एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आते गए। साल 1947 में ही वो अपनी तीसरी फिल्म दो भाई में नजर आईं, जिसे निर्देशित करने का काम मुंशी दिल द्वारा किया गया था। फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में कामिनी, उल्हास, दीपक मुखर्जी, तिवारी और पारो देवी जैसे कलाकार दिखाई दिए। फिल्म के गीत जैसे अम्बा की डाली पे कोयल बोले, आजी प्रीत का नाता टूट गया, हमें छोड़ पिया किस देश गए, गीत बहुत पॉपुलर हुए थे। दोस्तों, उनकी चौथी फिल्म साल 1948 में आई, जिसका शीर्षक है आग। ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसे मशहूर अभिनेता राज कपूर द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। ये फिल्म उनकी बतौर निर्माता और निर्देशक पहली फिल्म थी, साथ ही आर के बैनर तले भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म में कामिनी ने जिस निर्मला की भूमिका निभाई थी, हालांकि वो इसमें एक सहायक अभिनेत्री की भूमिका में दिखी। फिल्म में नरगिस, निगार सुल्ताना, कमल कपूर और प्रेमनाथ जैसे कलाकार भी शामिल थे, जिसमें नरगिस निम्मी के रूप में मुख्य भूमिका में नजर आईं। फिल्म के सभी गीत बेहजाद, लखनवी और दीपक ने लिखा था।
हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई की, लेकिन राज कपूर को इस फिल्म से एक निर्देशक और निर्माता के रूप में काफी अनुभव मिला। दोस्तों, कामिनी ने कई और हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जैसे शहीद, जिद्दी, शबनम, पारस, बिराज बहु, बड़े सरकार, जेलर और गोदान। इसके बाद 70, 80 और 90 दशक की फिल्मों में एक सहायक अभिनेत्री की भूमिका में दिखाई देने लगी। इस दौरान उनकी कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जैसे दो रातें, वारिस, पूरब और पश्चिम, उपहार, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, कैद, 10 नंबरी, स्वर्ग नर्क, राहु केतु, देशवासी, टक्कर, हम शक्ल, गुमराह, हर दिल जो प्यार करेगा, लागा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस और कबीर सिंह। 80 के दशक के बाद वो ज्यादातर फिल्मों में माँ और दादी माँ की भूमिका में दिखाई दी। उनकी अभी की आखिरी फिल्म लाल सिंह चड्ढा थी, जिसमें वो एक कैमियो रोल में दिखी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन कामिनी के जैसे फिल्मी दुनिया में इतना लंबा सफर गिनती की अभिनेत्रियों का रहा है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर से कलर फिल्मों की दौर तक एक बेहद ही लंबा सफर तय किया है। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका निजी जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। उनके पति का नाम BS सूद है, जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में मुख्य अभियंता यानी इंजीनियर थे और कामिनी की बड़ी बहन के पति थे। लेकिन जब उनकी बड़ी बहन उषा कश्यप की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने जीजा से विवाह करेंगी, ताकि उनकी बहन की दोनों बेटियों की देखभाल कर सके। हालांकि वो अभिनेता दिलीप कुमार से शादी करने वाली थी। कहा जाता है कि दिलीप ने उन्हें इस बारे में बताया था, लेकिन बहन की मृत्यु के बाद उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उन्हें अपने जीजा से साल 1948 में विवाह करना पड़ा। उनके तीन बेटे हैं, जिनका नाम राहुल, विदुर और श्रवण सूद है। राहुल एक फिल्म निर्माता है, वहीं पर विदुर सूद वीडियो विड प्रोडक्शंस के मालिक हैं। श्रवण सूद की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है। इसके अलावा कामिनी की अन्य दो बेटियां हैं, जो उनकी बड़ी बहन उषा की बेटियां थीं, जिनका नाम कुमकुम सोमानी और कविता शाहनी है। कुमकुम एक लेखक है, जबकि कविता साहनी एक कलाकार हैं। इसके अलावा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कामिनी के पिता का नाम शिवराम कश्यप है, जो कि लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय में बॉटनी के प्रोफेसर थे। दोस्तों, उन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी कहा जाता है। इंडिया के बॉटनी फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बात करें उनकी माता के बारे में, तो उनकी माता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनके दो भाई हैं। पहले भाई का नाम अमरनाथ कश्यप है, जो बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप में सहायक कमांडेंट थे, और दूसरे उनके भाई का नाम केदारनाथ कश्यप है, जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी दो बहनें थीं, एक का नाम उषा कश्यप और दूसरी का नाम पुष्पा कश्यप था। उषा के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि उनकी मृत्यु हो गई है। कामिनी को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे साल 1947 में नीचा नगर में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया। उसके बाद साल 1955 में फिल्म बिराज बहु के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा उन्हें करीब 6 से 7 और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आज वो करीब 96 साल की हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाल ही के कई फिल्मों में अभिनय किया और अपने दर्शकों को रोमांचित किया। वाकई इसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, जो कामिनी कौशल में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने चाहने वालों को बहुत एंटरटेन किया है। उनके चाहने वाले हमेशा उनको याद करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।